ऐसा क्या हुआ सलमान खान के साथ जो इन दिनों वो उदास चल रही हैं। जी हाँ, आपके चहेते सुपरस्टार की फिल्म ट्यूबलाइट तो आने वाली है, मगर ऐसी क्या बात है कि उनकी आंखों में स्माइल नहीं। जी हाँ, ट्यूबलाइट के प्रमोशन के लिए सलमान खान जहाँ पर भी जा रही हैं उनकी आंखों में स्माइल नहीं होती, उनकी आंखों में एक बहुत ही गहरा दर्द दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि सलमान खान किसी भी शो में जाए वो आर्टिफिशियल हंस रहे हैं। ऐसी क्या बात है भाई जान के दिल में जो किसी को नहीं बता रही। तो दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे इस बात का खुलासा करेंगे कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है जिसके कारण सलमान खान उदास चल रही हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म इंडस्ट्री में जो माँ के किरदार में जो सबसे ज़्यादा सलमान खान को पसंद थी वो थी रीमा जी, और रीमा जी की डेथ का उनके ऊपर बहुत ही गहरा असर है। रीमा जी की डेथ के बाद उनके आँखों में अभी तक उनके जाने का गम साफ साफ झलकता है, चाहे कोई भी शो हो। जब उन्होंने सुनील ग्रोवर के साथ सुपर नाइट विद ट्यूबलाइट किया तब भी वो आर्टिफिशियल स्माइल कर रहे थे, उनकी आंखों में वो दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, हम तो यही कहेंगे कि हमारे भाईजान जो है बहुत ही इमोशनल टाइप के हैं, और हम ये भी कहेंगे परमात्मा से कि रीमा जी की आत्मा को शांति दे और जल्द से जल्द हमारे सलमान भाई की आंखों में स्माइल आए। सो ट्यूबलाइट के जितने भी शो हैं हाउसफुल जाने चाहिए, सबसे ज़्यादा कमाई करनी चाहिए ट्यूबलाइट। सो दोस्तों, अभी ही टिकट बाय कर दो, क्योंकि हमारे सलमान भाई की फिल्म हो ना फ्लॉप, हो जाए बाहुबली 2 से भी ज़्यादा कमाई करे ट्यूबलाइट, क्योंकि ऐसा इमोशनल कलाकार जो एक जुबान से किसी को माँ मान लेता है, तो उसके जाने के बाद उनकी आंखों में उसकी जुदाई और दर्द साफ दिखाई देता है, वो कोई और नहीं आपके भाईजान सलमान खान है। तो दोस्तों, इसी की बात करें सुनील ग्रोवर की शो की, तो सुनील ग्रोवर का साथ जो है कपिल शर्मा के साथ ही अच्छा लगता है। उनका जो ट्यूबलाइट का प्रमोशन था सलमान भाई के साथ, वो शो भी इतना सुपर हिट नहीं गया, तो हम सुनील ग्रोवर भाई से भी यही कहेंगे कि जल्द से जल्द वापस आ जाए दी कपिल शर्मा शो में। इसी के साथ आप सभी से लेते हैं धन्यवाद, देखते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। बाय।